यार आम तौर पर राजस्थान के किसी गांव में औरतों का दिन कैसा होता होगा? सुबह उठना, खेतों में काम करना, बच्चे संभालना, खाना पकाना और थककर सो जाना, है ना? लेकिन ये तिलोनिया गांव है गुरु, यहाँ की औरतें सिर्फ चूल्हा चौखा नहीं संभालती बल्कि सोलर इंजीनियर बनकर समाज के धक्के न्यूजी ख्यालों को भी बदल रही हैं। तभी तो इन्हें नाम मिला सोलर मामा। बैरफुट कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ संजीत बंकर रॉय रूरल एरिया से आने वाली देश विदेश की महिलाओं को सस्टेनेबल और सेल्फ सफिशिएंट मेथड सिखाते आ रहे हैं। और जब अपने विलेज में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की कमी को पूरा करने निकले तो दिमाग में आया सोलर मामा इनिशिएटिव का माइंड ब्लोइंग आइडिया, जिसमें गांव की औरतों को सोलर पैनल्स फैब्रिकेट करने से लेकर सोलर लाइट्स और उनमें लगने वाले सर्किट्स के बारे में सिखाया जाता है। This is the only college in the world where you could train rural women through sight and sound, not using the written or spoken word, and making them into solar engineers. These women, after 6 months, know more about solar engineering than any graduate after 5 years of university. आप जानते हैं, इंडिया के कई विलेजेस में आज भी पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। वहीं ईयर 2000 में शुरू हुआ ये जबरदस्त प्रोजेक्ट सोलर मामा, अब तक 96 कंट्रीज की 1700 से ज्यादा औरतों को ट्रेनिंग देकर करीब 1400 विलेजेस तक सोलर एनर्जी पहुंचा चुका है। दिस मॉडल हैज बीन एक्सेप्टेड एट द यूनाइटेड नेशंस लेवल, एट द यूएनडीपी लेवल, एट द यूनेस्को लेवल एंड एट द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल। Hundreds and hundreds of villages in down south have no electricity, and I think the Solar Mama model is the one which will work. It's the women who will change the world. We should actually encourage that as much as possible. लेकिन बिना education, बिना degree, ये लोग solar lights पर काम कैसे करते हैं यार? चलिए, ऐसी ही एक tigress, I mean master trainer लीला देवी जी से जानते हैं कि एक आम औरत solar mama कैसे बनती है। जो कंपोनेंट होते हैं उनका नाम हम याद करवाते हैं पहले, उसके बाद में हम कलर कोड के माध्यम से उनको कलर कोड याद करवाते हैं, फिर उसके बाद में हमने कंपोनेंट लगवाना सिखवाते हैं, उसके बाद में एक महीना तक 7-8 सर्किट हम ऐसे ही बनवाते हैं, 3-4 महीने के बाद में हम इनको टेस्टिंग करना बताते हैं और 6 महीने में हमको RUW का कनेक्शन करना सिखाते हैं, पूरा कम्प्लीट ट्रेनिंग हो जाती है उनकी। फिर यही सोलर मामाज अपने अपने गांव लौटकर अपनी कम्युनिटीज की औरतों को ट्रेन करती हैं, जिससे गांव भी रोशन हो जाता है और औरतों को रोजगार भी मिल जाता है। यानी एक तीर से दो शिकार, ये हुई ना OMG वाली बात। जो महिलाओं पहले नहीं, उनके घर में रोशनी नहीं थी, वो गांव में रोशनी नहीं थी, तो आज वहाँ उजाला हुआ है ये सोलर की लाइट से, तो अपने लाइट से भी ज्यादा अच्छा उजाला हो रहा है, तो उनके बच्चे लिख पा रहे हैं और कोई प्रोग्राम है तो वो लेट सक तो उजाला में अच्छा काम कर पाती है। दोस्तों, सोलर मामाज हर मुश्किल से लड़ते हुए खुद को और इंडिया की रूरल लाइफ को एक नई पहचान दे रही हैं। इनका उठाया हर कदम सिर्फ क्लीन एनर्जी का अमेजिंग सोल्यूशन ही नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है, और यही बात इन्हें बनाती है OMG।